अस्सलाम वालेकुम जी, आपने पीके फिल्म देखी होगी। पीके फिल्म में आमिर खान ने बताया कि किस तरह से मज़हब के नाम पे हमारे जज्बात के साथ खेला जाता है। पाकिस्तान में भी सेम वही कंडीशन है, उसी तरह से मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है, क्योंकि ये बड़े अकीदतमंद लोग होते हैं और पीरों फकीरों को ये बड़ा मानते हैं। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद हूँ और मैं तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 साल मुसलसल आ रहा हूँ। ये जो मेरे अकम में आप दरबार देख रहे हैं जनाब, ये 2 साल पहले नहीं था, लेकिन अब अचानक से इसको तामीर कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो दरबार तामीर किया गया है, ये हजरत सखी सरवर लाला वाली सरकार जो है, उनके जो 4 यार थे उनमें से 2 जो उनके यार हैं उनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। अब मैं इसको एक्सपोज करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने कई वीडियोज़ शूट की हैं। जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, जो इन कब्रों का मालिक है, जिसने खुद साख्ता ये कब्रें बनाई हैं, उसने एक गल्ला रखा हुआ है और उस गल्ले में लोग आके पैसे डालते हैं और स्पेशली ख्वातीन को मदऊ किया जाता है कि ख्वातीन आके यहाँ पे पैसे डालें, क्योंकि ख्वातीन को मुतासर करना आसान होता है मर्दों की नस्बत। तो इसलिए ख्वातीन फिर जो है हमारी सादालू वो यहाँ पर आती हैं। और ये जनाब 2 कब्रें हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके नीचे मैं हल्फन कहता हूं कि कोई चीज़ नहीं है, इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। ये पत्थर रख के इसके ऊपर ये कुरानी आयात वाली चादरें जो हैं वो डाली गई हैं और साथ आप देख सकते हैं कि ये गल्ला रखा हुआ है जिसमें लोग नजराना डालते हैं और लोगों को कायल किया जाता है कि वो आएँ और यहाँ पर नजराना डालें। ये हाल हो चुका है जनाब। अब फुटेज में आप देख सकते हैं कि यही बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो जनाब आता है और इसने एक छोटा सा झूला रखा हुआ है, झूले में कुछ लोग आके यहाँ पे पैसे रखते हैं। ये बंदा जो कि इन दरबारों का मालिक है वो आता है जनाब, 10 रुपये उठाता है, एक बच्ची को देता है, गालबन वो बच्ची इसकी अपनी है, और बाकी जो पैसे हैं वो उठा के अपनी जेब में डालता है और रेस्ट करने के लिए ब्रेक टाइम पर घर चला जाता है। उसके बाद दोबारा से आ जाता है और आके जब मैंने इनसे पूछा कि ये कब्रें किसकी हैं, तो जनाब मसूफ कहते हैं कि ये हज़रत सखी सरवर के 2 यार हैं, 2 पहाड़ी के ऊपर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये पहाड़ी है और बाकी यहाँ पे हज़रत सखी सरवर के 2 जो यार हैं वो यहाँ पे उनकी तदफीन की गई थी, और बाकी जो 2 हैं वो थोड़ा साइड पे हैं, लेकिन ये जो 2 यार हैं ये अब नए आ चुके हैं जनाब। तो ये हाल हो चुका है। मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस हो सके, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चल सके कि इन पत्थरों की ढेरी के नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गल्ला है और उस गल्ले को परवान चढ़ाने के लिए, उसको भरने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है।